दोस्तों, अगर आपने अभी तक पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर नहीं किया है तो इस वीडियो में मैं आपको पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर करने के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, पीवीसी आधार कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जो यूआईडीएआई के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। जो कार्ड हम बाजार में छपवाते हैं, प्लास्टिक के हों या कागज़ के, उनमें सिक्योरिटी फीचर्स नहीं होते हैं। और जो पीवीसी आधार कार्ड हम ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स होते हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आना है और कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको myaadhar.uidai.gov.in पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो करेगा और यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड। तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड नंबर टाइप करने हैं। तो मैं यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर टाइप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर टाइप कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम उसके बाद कैप्चा कोड फिल करेंगे। मैंने कैप्चा कोड फिल कर लिया है। उसके बाद एक नीचे ऑप्शन दिखाई देगा, माय मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है आधार कार्ड से, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करने हैं, तो मैं एक मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। कोई भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और एक ही मोबाइल नंबर से अपनी पूरी फैमिली का पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने ओटीपी जनरेट सक्सेसफुली का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और हमारा जो ओटीपी है वो आ गया है। तो मैंने यहाँ पर ओटीपी फिल कर दिया है। ओटीपी फिल करने के बाद में यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखेगा टर्म्स एंड कंडीशंस का, तो आपको इस पर क्लिक करना है और इनको एग्री कर लेना है। इन पर क्लिक करने के बाद में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, तो इस पर ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक बार और कंफर्मेशन करना है। यहाँ पर कंफर्म करने के बाद में आपको पेमेंट के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पर आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। तो उसके बाद में यहाँ पर आपको इसके लिए 50 रुपये पे करने होंगे जो कि पीवीसी कार्ड के होते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप किसी भी तरीके से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, पेटीएम वॉलेट, कई सारे तरीके यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट करूँगा, इसलिए मैं यूपीआई पर क्लिक कर देता हूँ। यूपीआई पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर फ़ोनपे से पेमेंट करूँगा, इसलिए मैं फ़ोनपे को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हमें अपनी यूपीआई आईडी डालनी होगी, तो मैं यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी एंटर कर देता हूँ। यूपीआई आईडी डालने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा और आपको अपना फ़ोन पे है जो वो उसको ओपन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने फ़ोन पे में ये 50 रुपये पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर मैं पे पर क्लिक करूँगा। पे पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर सेंड पर क्लिक करना है। सेंड पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर यूपीआई फिल करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको यूपीआई से पेमेंट कर देना है। इस तरीके से आप अपना पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है और आप पीवीसी आधार कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको लॉगिन करना होगा myaadhar.uidai.gov.in पर। तो इस वेबसाइट पर ही आना है आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस पर आने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आपको लॉगिन नहीं करना है, उसके लिए मैंने पहले ही समझा दिया है। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर टाइप करना है लॉगिन करने के लिए। आधार कार्ड नंबर टाइप करने के बाद में आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करना है। मैंने कैप्चा कोड फिल कर दिया है और यहाँ पर उसके बाद में सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी भेज दिया है और यहाँ पर मेरे पास ओटीपी आने वाला है, तो जो ओटीपी आएगा मैं यहाँ पर उसको फिल कर दूँगा। ओटीपी आ गया है और यहाँ पर मैं इस ओटीपी को फिल कर देता हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद हमें यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। अच्छा, लॉगिन हम कर चुके हैं। यहाँ पर हमारा, यहाँ से देख सकते हैं मेरा जो आधार कार्ड है यहाँ पर शो कर गया है। अगर हम यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो ये शो करता है और आपकी जो भी डिटेल है यहाँ पर शो करती है। और यहाँ और लॉगिन करने के बाद आपको ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड पर क्लिक करना है। और जो मैंने आपको पहले तरीका बताया उसी तरीके से आपको पेमेंट कर देना है और आपका जो पीवीसी कार्ड है आपके घर आ जाएगा।
यहाँ पर आप अपने पीवीसी कार्ड का ऑर्डर स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑर्डर स्टेटस चेक करने के लिए, आपको यहाँ पर चेक आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर स्टेटस पर क्लिक करना है तो आपका स्टेटस यहाँ पर शो कर जाएगा, आपको अपने आधार नंबर डालने होंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपना ऑनलाइन पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के लिए भी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के लिए भी। मैंने दोनों तरीका आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी नई नई वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।